जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व लोकसभा सदस्य किरीट सोमैया को सोमवार तड़के महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड़ रेलवे स्टेशन पर हिरासत में लिया गया। बाद में उन्हें मुंबई पुलिस द्वारा सीक्रेट हाउस में ले जाया गया। सोमैया ने एक दिन पहले ही ट्वीट कर लिखा था, महाराष्ट्र सरकार की दादागिरी, और आज वे हिरासत में ले लिए गए। बता दें, कोल्हापुर जिला कलेक्टर ने उनके खिलाफ निषेधाज्ञा जारी की थी और 20 और 21 सितंबर को सभा पर रोक लगाते हुए जिले में धारा 144 लागू की थी। दरअसल सोमैया को पश्चिमी महाराष्ट्र जिले के कागल से विधायक हसन मुशरीफ के खिलाफ भ्रष्टाचार के अपने आरोपों को साबित करने के लिए कोल्हापुर जाना था। बता दें कि हाल ही में सोमैया ने ग्रामीण विकास मंत्री और कोल्हापुर के कागल से विधायक मुशरीफ पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने और अपने परिजनों के नाम पर बेनामी रखने का आरोप लगाया था। मुशरीफ ने आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया था। इससे पहले भाजपा नेता किरीट सोमैया ने रविवार को दावा किया था कि महाराष्ट्र के मंत्री हसन मुशरीफ के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद उन्हें कानून व्यवस्था और सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए जिलाधिकारी ने कोल्हापुर में प्रवेश करने से रोक दिया। इसके बाद सोमैया ने एक ट्वीट में इस घटनाक्रम को उद्धव ठाकरे सरकार की दादागिरी करार दिया।